नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस थारा। फ्रेंड्स, आज हम लोग मनी प्लांट के कटिंग से पौधा ग्रो करना सीखेंगे। आज हम लोग मनी प्लांट की कटिंग से पौधा ग्रो करने की जो तरीका सीखेंगे, इस तरीके से आप अगर मनी प्लांट की कटिंग लगाएंगे तो आपकी एक भी कटिंग फेल नहीं होगी, हर कटिंग चल जाएगी और सिर्फ 3 दिनों में ही आप समझ जाएंगे कि कटिंग लग गई है। कटिंग जब लग जाती है या कटिंग जब चल जाती है तो कटिंग के पत्तों में चमक आ जाती है और पत्ते ऊपर की तरफ ग्रो होने लगते हैं। तो यही देख के आप समझ जाएंगे कि कटिंग चल गई है। हम लोग मनी प्लांट के कटिंग लगाते तो है, लेकिन पानी कम होने के वजह से या पानी कभी ज्यादा होने के वजह से कटिंग खराब हो जाती है और चलती नहीं है। लेकिन आज हम लोग मनी प्लांट लगाने की जो तरीका सीखेंगे, इस तरीके से आप अगर मनी प्लांट लगाते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी, एक भी कटिंग खराब नहीं होगी और बहुत तेजी से ग्रो भी होगी। मेरे पास जो मनी प्लांट आप देख रहे हैं, ये सभी प्लांटर में मैं कटिंग से मनी प्लांट ग्रो की हूँ और मेरे घर के चारों तरफ इस तरह की हेल्दी मनी प्लांट लटकते रहते हैं, बहुत सुंदर लगती है देखने में। तो चलिए, आप भी बहुत सफलता के साथ मनी प्लांट की कटिंग कैसे लगाएंगे वो जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले बोलूंगी, अगर आप चैनल में नए फ्रेंड है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अनुरोध है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग मनी प्लांट के कटिंग कैसे लगाएंगे ताकि हम लोगों को 100% सफलता मिले। तो उसके लिए सबसे पहली बात जो मैं बोलूंगी कि कटिंग लगाने के लिए कभी भी बड़ा साइज कंटेनर ना लीजिए, छोटे साइज कंटेनर में ही हमेशा कटिंग को ग्रो कीजिए। अभी हम लोग लेंगे मनी प्लांट की कटिंग। मैंने यहाँ पर 2 कटिंग ली हूँ और कटिंग को आप थोड़ा देखिए, हमने जो कटिंग लिए है इस कटिंग की हर नोड के साथ थोड़ी सी रूट निकली हुई है। इस तरह की कटिंग हम लोगों को लेना है और हम लोग अगर चाहे तो एक एक पत्ते की कटिंग भी ले सकते हैं और 2-3 नोड की कटिंग भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2-2 नोड की कटिंग तैयार की हूँ। तो ऐसे कटिंग हम लोग लेंगे और इस तरह की कटिंग अगर लेंगे और मैं जिस तरह से लगाना आज सिखाऊंगी, इस तरह से अगर आप मनी प्लांट की कटिंग को लगाएंगे तो 100% गारंटी के साथ आपकी हर कटिंग चल जाएगी, एक भी कटिंग खराब नहीं होगी और सिर्फ 3 दिनों में ही आप देखेंगे कि आपकी कटिंग बहुत तरोताजा हो गई है। और यहाँ पर जो पॉटिंग मिक्स हम लोग यूज करेंगे बहुत ही वेल ड्रेन होगी। मैंने यहाँ पर 80% बालुई दोमट मिट्टी ली हूँ और 20% गोबर की खाद इसमें मिलाई हूँ। तो इस तरह की वेल ड्रेन मिट्टी आपको लेना है मनी प्लांट की कटिंग ग्रो करने के लिए। अभी आप थोड़ा गौर कीजिए कि मैं किस तरह से कटिंग को लगा रही हूँ, यही है सीक्रेट सफलता की। मनी प्लांट के कटिंग हम जब लगाएंगे तब स्टेम को हम लोग मिट्टी के अंदर नहीं दबाएंगे, मिट्टी के अंदर हम लोग सिर्फ रूट को दबाएंगे और मनी प्लांट की कटिंग की जो स्टेम है ये स्टेम मिट्टी के ऊपर ही रहेगा। ये मैं क्यों कर रही हूँ ये मैं बाद में बता रही हूँ, कटिंग लगाने के बाद मैं बता रही हूँ। पहले चलिए हम लोग कटिंग को अच्छी तरह से लगा लेते हैं। तो सभी कटिंग को आप देखिए, मैं सिर्फ रूट को मिट्टी के अंदर दबा रही हूँ और स्टेम मिट्टी के ऊपर ही दिख रही है। तो इस तरह से चारों कटिंग को हम लोग लगा लेंगे। और मैं पहले ही बोली हूँ, मनी प्लांट की कटिंग आप हमेशा छोटे साइज कंटेनर में लगाइए और पॉटिंग मिक्स जो होगी वो बहुत ही वेल ड्रेन होगी, जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। अभी देखिए, 4 कटिंग्स में लगाई हूँ और चारों की स्टेम मिट्टी के ऊपर दिख रही है। मिट्टी में पहले से ही थोड़ी सी गीला करके रखी हूँ और ऊपर से थोड़ी सी पानी हम अभी दे देंगे। बहुत ज्यादा पानी कटिंग लगाने के बाद देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना यह है कि मिट्टी पूरी तरह से सूख ना जाए।
मिट्टी में अगर बहुत ज्यादा पानी होती है तो मनी प्लांट के स्टेम गल जाते हैं। इसीलिए हम लोग मनी प्लांट के स्टेम को मिट्टी के ऊपर रखेंगे और सिर्फ रूट को मनी प्लांट के नीचे हम लोग दबाया है। और ये है 13 दिन की अपडेट। 13 दिन पहले सेम इसी तरीके से मैं कटिंग्स को लगाई थी और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी तरह से 13 दिन में ये कटिंग्स लग गई है। तो मैं जब कटिंग्स को लगाई थी तब कटिंग्स बहुत ही छोटी थी। आज जिस साइज में मैं लगाई हूँ, जिस साइज की कटिंग लगाई हूँ, उसी साइज की थी। 13 दिन में थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और 13 दिन में ये कितनी अच्छी तरह से डेवलप हुई है इसकी रूट, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसलिए कुछ पत्तों को मैं काट के हटाई हूँ ताकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से दिखा सकूं और बहुत अच्छी तरह से आप इसको समझ सके। तो 3 दिन में ही ये कटिंग्स लग गई थी और आज 13 दिन की अपडेट है। 13 दिन में ये इसकी रूट इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि मैं इसको हाथ से खींच के निकल नहीं पा रही हूँ। और अगर मैं ज़बरदस्ती इसको खींच के निकलने की कोशिश भी करूँगी तो रूट अंदर टूट के रह जाएगी और आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगी कि रूट कितनी अच्छी तरह से डेवलप हुई है। इसलिए एक चम्मच की मदद से मैं मिट्टी को थोड़ी सी लूज की हूँ और अभी देखिए इसकी डेवलपमेंट कितनी अच्छी, इतनी इतनी सी। जब मैं लगाई थी इतनी इतनी सी रूट थी। आज जितना रूट आपने देखा है कटिंग्स में उतना ही रूट इसमें भी था और मिट्टी में रूट कितना ज़्यादा डेवलप हुई है। और देखिए जितनी भी कटिंग मैं लगाई थी सभी की स्टेम मिट्टी के ऊपर ही दिख रही है। तो इस तरह से आप अगर मनी प्लांट की कटिंग को लगाएंगे तो एक भी कटिंग कभी भी फेल नहीं होगी। एक्चुअली क्या होता है कि मनी प्लांट की कटिंग जब हम लोग लगाते हैं, मनी प्लांट की कटिंग, तो कटिंग लगाने के वक्त उस समय अगर मनी प्लांट की मिट्टी अगर सही ना हो और पानी अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा डल जाए तो मनी प्लांट की जो स्टेम है वो गल जाते हैं और कटिंग नहीं चलती है। इसलिए ये दो बातों की ख्याल हम लोग रखेंगे। एक तो ये है कि मनी प्लांट की जो पॉटिंग सॉइल है, कटिंग लगाते वक्त उस पॉटिंग सॉइल को हम लोग बहुत ही वेल ड्रेन रखेंगे और कटिंग की जो स्टेम है उसको अंदर नहीं दबाएंगे। इस तरह से आप अगर लगाएंगे तो हर कटिंग्स चल जाएगी। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से मनी प्लांट की कटिंग को लगा के देखिए। आज इतना ही। नमस्कार।